हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ जा देखो वहां कोरोना, हॉस्पिटल से लेकर पुलिस विभाग, जिला सचिवालय से लेकर मॉल, सब जगह कोरोना वायरस का डर। सबको हिदायत दी जा रही है कि कोरोना वायरस से बचकर रहें। हरियाणा सरकार ने इसको लेकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद करने के आदेश दे दिए हैं। उन सब कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है जहां भीड़ इकट्ठी होनी थी। करनाल में भी प्रशासन के आदेश के बाद मॉल बंद कर दिया गया है। करनाल में एकमात्र मॉल है जिसको कोरोना वायरस से के डर से प्रशासन ने बंद करवा दिया है। मॉल की सभी दुकानें बंद करवा दी गई हैं। सिनेमा हॉल के मैनेजर को भी कहा है कि सरकार के आदेश के बाद सिनेमा हॉल बंद कर दिया गया है और जो सरकार का अगला आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। बहरहाल कोरोना वायरस को लेकर लोगों में डर और भ्रांतियां तो काफी हैं। इसको लेकर लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, इसको लेकर प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। कोरोना वायरस महामारी घोषित हो चुकी है और प्रशासन कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता है। अपने हरियाणा में क्या आपको आदेश हुए और क्या फर्क है? देखिए सर, जैसे ये महामारी इसको घोषित करने वाला हरियाणा पहला राज्य था, तो कलेक्टर साहब ने और गवर्नमेंट ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की सब कुछ देखने के बाद कि कितना इसका विक्टिमाइजेशन हो सकता है और कितना फैलाव हो सकता है। तो सब प्रिकॉशंस लेने के बाद कल रात को शायद कैबिनेट की मीटिंग हुई, जो रात को हमें मैसेज आया था कि सिनेमा मॉल क्लोज रहेंगे, क्योंकि एक वायरस इन्फेक्टेड कोई भी पर्सन है वो सभी जगह टच कर तो जाता है, टिकट लेके जाएगा, सिक्योरिटी पॉइंट पर भी आएंगे, वो कैंडी में कुछ भी लेते हैं तो उसका इन्फेक्शन फैल सकता है। तो उसका प्रिकॉशन भी लेते हुए हमारी कंपनी ने भी उसे एक्सेप्ट किया है, गवर्नमेंट के नॉर्म से वो हमें कंप्लाई करने पड़ते हैं। तो उस बिहार पे हमने अपना सेफ्टी फीचर्स, कस्टमर की सेफ्टी फीचर और एम्प्लॉई की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने अभी सिनेमा 31 तारीख तक, जो कि मार्च की 31 तक वैलिड है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, तब तक हम इसको जारी रखेंगे। उस दौरान हम अपने सिनेमा प्रीमिसेस को पूरा सैनिटाइजेशन प्रॉपर हमारी टीम करती रहेगी और टाइमली सेफ्टी प्रिकॉशंस हम रखते भी हैं। नेक्स्ट जो भी डिसीजन गवर्नमेंट का आता है कि ओपन करना है, कब से करना है, उसके बिहार पे हम नोटिफाई करेंगे, नोटिफिकेशन अपने कस्टमर्स। सर, आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके कस्टमर हैं? कस्टमर्स को संदेश ये देना चाहेंगे कि एक जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन है, तो उन्होंने बताया गाइडलाइंस है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, किसी को इन्फेक्शन है या नहीं है वो बाद की बात है, पहले खुद को सेफ करके चलना है, बार बार हाथ धोने हैं, हर 1.5-2 घंटे में हाथ धोते रहो, क्योंकि हवा में किसी के कोई किसी ने कुछ टच किया है उसमें हो सकता है, तो जर्म्स रहते हैं, इसलिए हाथों को प्रॉपर साफ करें और जितना हो सके घर पर ही रहें। इसी की वजह से सब कुछ सेफ तभी रहेगा जब हम आपस में बैठ रहेंगे। क्या नाम है? नरेंद्र अविला। क्या है आप यहाँ पे? मैं ऐसे सिनेमा मैनेजर हूँ। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.